वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में लगभग सारे कार्य है वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं, और इसी संदर्भ में जैसे जो खेल प्रतियोगिता होती थी उसमें जो भी स्टूडेंट टूर्नामेंट में किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने जाते थे उनके लिए ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद में उनके जो भी संस्था प्रधान जो फॉर्म को वेरीफाई करके साइन करके उनको जो भी खेल प्रभारी होते थे वो लेके जाते थे, लेकिन इसके लिए अब सिस्टम बदल गया। अब ऑनलाइन जो प्रोसेस होगा तो शाला दर्पण पोर्टल से आपको ऑनलाइन जो खेल पंजीकरण या स्टूडेंट जो भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं किसी भी खेल प्रतियोगिता में उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको जो शाला दर्पण की जो मेन साइट है इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे गूगल में आपको सर्च करना है शाला दर्पण, और इस तरीके से जो मेन साइट होगी इस साइट पे आपको जाने के बाद यहाँ नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए देखना है कि जैसे यहाँ स्कॉलरशिप है, राजश्री है, और यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता ये आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। खेलकूद प्रतियोगिता वाला जो आइकन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से साइन इन का जो ऑप्शन है वो यहाँ आ जाएगा, जिसमें आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, गवर्नमेंट ऑफिस या स्कूल या प्राइवेट स्कूल। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से टीम भेजना चाहें तो आपको ये सिलेक्ट करना है, अगर प्राइवेट स्कूल से आप लॉगिन करना चाहें तो आपको जो भी शाला दर्पण के या जो आपके जो भी पीएसपी पोर्टल उसके आईडी पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना है। अब जैसे यहाँ प्राइवेट स्कूल है तो उनको जो भी अपना कोड है वो भरना है, यूजर नेम भरना है। अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो मैं यहाँ एक आपको भर करके लाइव पूरा प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आपको भरना है। तो जैसे यहाँ जो भी ये कैप्चा कोड दिए हुए हैं ये आपको एंटर करना है, और यहाँ एंटर करने के बाद में नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन है इस लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में अब जैसे ये कुछ अभी थोड़ा सा इसमें कैप्चा है वो सही नहीं बता रहा, तो मैं कैप्चा एक बार दोबारा आपको एंटर करके बता देता हूँ। ये पूरा एक बार लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से जैसे जो भी कैप्चा है वो आप एक बार अच्छी तरह से भर लें, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का आप ध्यान रखें, और यहाँ से जैसे लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे तो ये जैसे लॉगिन हो गया उसके बाद में यहाँ जो इसका होम पेज होगा सबसे ऊपर तो आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, जिसके कोड वगैरह आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ब्लॉक आ जाएगा। यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके सामने टोटल एप्लीकेशन शो हो जाएंगी, जैसे 11 साल तक के एज ग्रुप 11 साल के स्टूडेंट के अगर आपने फॉर्म भरे तो वो शो हो जाएंगे, 14 साल तक के यहाँ शो हो जाएंगे, 17 साल तक के यहाँ, 19 साल तक के यहाँ। अब जैसे मैं यहाँ एक कोई आपको व्यू करके बताता हूँ, अभी जैसे मैंने व्यू कर रहा हूँ तो जैसे यहाँ से आपको 11, 14, 17 या 19 कोई भी साल आप सेलेक्ट करना चाहें। अब जैसे मैं 11 साल का सेलेक्ट करके गो पे क्लिक कर रहा हूँ तो 11 वर्ष सेलेक्ट करने के बाद में गो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ अभी जैसे कोई डाटा नहीं आ रहा है, या मान लो दूसरा 14 साल या 17 साल का करके कर रहा हूँ तो यहाँ भी नो डाटा आ रहा है क्योंकि अभी तो कोई फॉर्म भरा नहीं है। तो अब जैसे आप फॉर्म भरना चाहें तो आपको इसके लिए होम पेज पर आना है, इसी के होम पेज पर। अब ये साइट जैसे कई बार आउट हो जाती है तो आपको दोबारा इसको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ जैसे होम पेज पर आएंगे तो ये जैसे अभी थोड़ी सी साइट इशू आ रहा है तो मैं इसको दोबारा लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। तो अगर साइट आउट हो जाती है तो आपको दोबारा लॉगिन करके यहाँ जैसे स्पोर्ट्स पे यहाँ क्लिक करेंगे तो स्पोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपके दो ऑप्शन मिलेंगे, फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म और फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स। अगर आपने भरे हुए हैं चेक करना चाहें तो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, अगर आप कोई फॉर्म भरना चाहें तो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ एक निर्देश आपको एक बार देख लेना है, पहला निर्देश है नोट दिया हुआ है कि खेलकूद प्रतियोगिता है तो हस्ताक्षर युक्त आवेदन की एक प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जानी है, यानी जो भी आप प्रति निकालें उसकी प्रिंट है वो एक कॉपी एक्शन निकालें विद्यालय के लिए, ये कॉपी जो भी टीम जाएगी वो साथ में लेके जाएगी। इसके अलावा इसमें दूसरा जो नोट दिया हुआ है कि 14 वर्ष आयु वर्ग में कक्षा 3 से 5 तक के खिलाड़ी जिला स्तर या राज्य स्तर पर पूर्व भांति भाग ले सकते हैं, लेकिन कक्षा 6 से नीचे की कक्षा के विद्यार्थी है वो राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे, और 6 से ऊपर की कक्षाओं के लिए किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी। तो ये तो महत्वपूर्ण निर्देश हो गए। अब आप जैसे यहाँ से किसी स्टूडेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एज ग्रुप सेलेक्ट करना है कि 11 साल तक के लिए भरना है, 14 साल तक के लिए भरना है, 17 या 19 साल तक के लिए। मान लो यहाँ मैं 14 साल सेलेक्ट करके गो पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ आपको इस तरीके से जो भी स्टूडेंट इस कैटेगरी के अंदर आएंगे उन सब के यहाँ आपके नाम शो हो जाएंगे, जैसे जो स्टूडेंट का नाम आ गया, फादर का नाम आ गया, क्लास आ गई जैसे तीसरी कक्षा का आ गया, उसके बाद में एसआर नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, और यहाँ सेलेक्टेड वैल्यू में आपको फिल एप्लीकेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे कक्षा तीसरी के स्टूडेंट है सारे जो भी इस उम्र के दायरे में आएंगे वो शो हो जाएंगे, चौथी के भी शो हो जाएंगे, पाँचवीं के जिस भी क्लास के हैं वो सारे यहाँ आपके जो भी है वो शो हो जाएंगे। तो यहाँ से जो भी स्टूडेंट है वो शो हो रहे हैं। अब मान लो किसी एक सातवीं क्लास का कोई स्टूडेंट है, जैसे ये स्टूडेंट, इसका अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो यहाँ आपको फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से ये प्रोसेस काम करेगा। तो यहाँ फिल एप्लीकेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का समय लेगा और यहाँ से ये जो ऑप्शन है फॉर्म भरने का वो खुल जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको जो भी
निर्देश है वो यहाँ दोबारा शो हो जाएंगे, जिसमें कि खेलकूद प्रतियोगिता का हस्ताक्षर युक्त आवेदन है वो विद्यालय में सुरक्षित रखना है। इसके अलावा जो भी निर्देश थे वो ही है। अब यहाँ जैसे ही आप आगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जिले का नाम आ जाएगा, ब्लॉक का आ जाएगा, विद्यालय का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। सारा डाटा है वो शाला दर्पण से ऑटो फैच हो रहा है। पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। विद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि अभी नहीं आ रही है। और इसके अलावा विद्यालय के प्रवेश क्रमांक यानी एसआर नंबर है, कक्षा है, मोबाइल नंबर आ रहे हैं, जेंडर आ रहा है, स्थायी पता इसका आ रहा है, आधार नंबर इसमें अभी नहीं आ रहे लेकिन जन आधार नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी वो भी आ रही है। अब आपको यहाँ सारी डिटेल्स आ रही है, आपको क्या क्या फीड करना है। पहला तो आपको उपस्थिति फीड करनी है, किसकी जो उपस्थिति प्रतिशत है वो आपको फीड करना है। इसके अलावा दो शारीरिक निशानी आपको फीड करनी है कि जैसे इसके शरीर पे कोई भी निशान है, ब्लैक मोल है या कोई चोट का निशान है, घाव का निशान है, जो भी है वो आपको यहाँ एंटर करना है। यहाँ दो निशानी आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद में खेल का नाम, ये जो सिलेक्ट लिस्ट है ड्रॉप डाउन बॉक्स, इसमें से जैसे आपको बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल वगैरह, अब जैसे कबड्डी में अगर भाग लेना चाहे तो कबड्डी यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से ये जो भी आप खेल सेलेक्ट करना चाहें ये कबड्डी हो जाएगा। फिर उसमें इवेंट और मापदंड है, तो यहाँ से आपको जैसे 51 किलोग्राम तक अधिकतम है वो भाग लेना है तो वो कर सकते हैं। अगर मान लो कोई दूसरा खेल करना चाहें, जैसे मान लो कबड्डी की जगह खो खो करना चाहें या बैडमिंटन या मान लो और कोई खेल अगर करना चाहें, तो जैसे मैं दूसरा खेल अगर आपको सेलेक्ट करके बताऊं, तो यहाँ से जैसे मान लो खो खो में अगर बालक भाग लेना चाहता है तो यहाँ से खो खो सेलेक्ट करेंगे। और खो खो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जो भी ऑप्शन है, तीन ऑप्शन याद दिए हुए हैं कि क्या प्रतियोगी एथलेटिक्स में भाग लेना चाहता है, तो खेल के अलावा अगर एथलेटिक्स में लेना चाहता है तो आपको यस करना है, नो करेंगे तो ये आगे का ऑप्शन है वो अपने आप इसमें कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यस करेंगे एथलेटिक्स में अगर भाग लेना चाहता है तो आपको फिर एथलेटिक्स का जो इवेंट्स का नाम है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे 100 मीटर दौड़ में भाग लेगा या 400 मीटर में भाग लेगा, 600 मीटर में भाग लेगा या 80 मीटर बाधा दौड़ में, ऊंची कूद में, लंबी कूद में, गोला फेंक में या तस्तरी या रिले दौड़ में, जिसमें भी वो भाग लेना चाहता है वो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो ये सेलेक्ट कर लें अगर उसमें भाग लेता है तो। अगर यहाँ से अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे तो एथलेटिक्स का जो है वो पेज है वो उसमें नहीं आएगा। इसके अलावा दो सत्रों में कक्षा किसी प्रकार के ठहराव की स्थिति सही है तो आपको यस पे क्लिक करना है। और चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण प्राप्त है तो वो आपको यस करके डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट है वो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रति है वो अपने पास रखनी है और इस पर यस करना है। ये यस करने के बाद में आपको विद्यार्थी का जो फोटो है वो सिलेक्ट करना है। अब फोटोग्राफ में आपको एक दो जो फोटोग्राफ है 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और फोटो साइज शुड बी बिटवीन 10 KB to 20 KB, 10 से 20 KB के बीच में ही होनी चाहिए, यानी बहुत छोटी साइज़ का फोटो होना चाहिए तभी यहाँ अपलोड हो पाएगा। और जो फोटो एक्सटेंशन है कौन कौन सा होगा, JPG में हो सकता है, JPEG में हो सकता है या PNG में हो सकता है। इसके अलावा अदर कोई भी फाइल एक्सटेंशन है वो अलाउड नहीं होंगे, तो ये ध्यान रखें। अब जैसे मैं एक फाइल आपको रैंडमली ऐसे ही सिलेक्ट करके बता देता हूँ किस तरीके से। अब मान लो जैसे मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आपको करना है, तो यहाँ से जैसे जो भी मान लो कोई गैलरी है उसमें जहाँ भी कोई फोटो पड़ा है उस फोटो को मैं ले रहा हूँ और 10 से 20 के बी तक का फोटो आपको लेना है। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये सिलेक्ट करना है। तो पहले आप फोटो स्टूडेंट का फोटो लेकर उसके के बी है वो सेट कर लें। उसके बाद में फोटो जैसे यहाँ से कोई भी फोटो है, अब मैं यहाँ जैसे 11 के बी का फोटो है तो ये 10 से 20 के बी के दौरान आ जाएगा, तो ये फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट हो गया फोटो। यहाँ जैसे मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ आपको जो भी स्टूडेंट है या जो भी विद्यार्थी जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो फोटो यहाँ आपको अपलोड करना है। उसके बाद में जैसे अपलोड इमेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इमेज उसकी शो होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे यहाँ आएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ इमेज उसकी शो हो जाएगी और उसको आपको सेव करना है। और उसके बाद में किसी अन्य आवेदक को आपको फॉर्म भरना है, तो जिस भी स्टूडेंट का फॉर्म भरना चाहें उसकी सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है, दो निशानियाँ, बाकी सारा डाटा साल दर्पण से आ जाएगा। इसके अलावा उसको खेल कौन से खेल में भेजना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, और उसके अलावा फ़ोटो उसका अपलोड करना है, और उसके बाद में यहाँ सेव पर क्लिक करना है। अभी मैं आपको सेव क्लिक कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए फोटो है कोई फूल का फोटो है वो अपलोड किया है। तो इस तरीके से आपको सेव करके जितने भी स्टूडेंट का आप एक बार फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद में फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें जाकर के आप एज वाइज जो भी ग्रुप है 14 साल का है उसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने जो भी लिस्ट है उसको आप प्रिंट करके ये कॉपी अपने पास रख लें, और दूसरी कॉपी आपको जो भी आपके संबंधित जहाँ भी खेल टीम जा रही है वहाँ आपको रखना है। तो ये पूरी इम्पोर्टेंट जानकारी थी कि शाला दर्पण पे जो नया मॉड्यूल शुरू हुआ है खेल से संबंधित, तो खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए स्टूडेंट की जो भी डिटेल्स है वो किस तरीके से आपको फीड करनी है, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।